पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि आगामी बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पर ध्यान रहेगा। बाली ने कहा कि ये तीनों तत्व किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बेरोजगारी, बढ़ते ड्रग्स के कारोबार और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी बजट में ध्यान अवश्य दें। बाली ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, नशे का कारोबार हर गली मोहल्ले में हो रहा है, इनको दूर करने के बारे में भी सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बाली ने कहा कि आज प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हो चुके हैं, वहीं अधिकतर वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध नहीं है। सड़कों किनारे खड़े किए गए वाहन अक्सर हादसों का कारण बन रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वाहनों की पार्किंग के लिए समुचित स्थान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए बकायदा बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार बेरोजगारों को ये भत्ता नहीं दे रही है। बाली ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार वर्ग में सामान्य बेरोजगारों के लिए 1000 जबकि दिव्यांग बेरोजगारों के लिए 1200 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान किया था। बाली ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार बेरोजगारों के हित में कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वे बेरोजगारों के हित में एक नीति या विजन डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें ये तय किया जाए कि एक वर्ष में किन किन क्षेत्रों में रोजगार दिया जाना है, और उसके बाद बकायदा बजट का प्रावधान पहले से ही किया गया है। जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार कोई ऐसी नीति बनाए कि प्रदेश में बनने वाला सीमेंट प्रदेश में ही महंगा ना बिके। उन्होंने कहा कि सीमेंट के दाम यदि पड़ोसी राज्यों से कम नहीं हो सकते हैं तो इनसे अधिक भी नहीं होने चाहिए। सरकार बाहरी राज्यों में से आने वाले सीमेंट पर जरूरी रियायत दे ताकि यहाँ बैठी कंपनियों के लिए कंपटीशन पैदा हो। अब तक इन कंपनियों को कंपटीशन नहीं है, इसलिए ये मनमानी कर रही हैं। वहीं जीएस बाली ने शिमला में जो कुछ भी घटित हुआ है उसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहिंसा पर विश्वास करने वाली पार्टी है और ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझना चिंता का विषय है। बाली ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से इस बारे में कड़ा संज्ञान लेने का आह्वान भी किया। नहीं देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने ये कहा कि मैंने पढ़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बजट को फाइनल शेप दे रहे हैं और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन तीन चीज़ों को उन्होंने कहा कि मैं अहमियत दूंगा, मगर मैंने ये कहा कि तीन के साथ साथ और महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, आज पूरे देश जो है गाय माता के ऊपर चर्चा कर रहा है, जंगली जानवरों के ऊपर चर्चा कर रहा है, किसानों की खेती के ऊपर चर्चा हो रही है, किसान हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नौजवान जो हैं जो बेरोजगार हैं वो परेशान हो रहे हैं, ड्रग्स का एक पूरा किंगडम सा हो गया है कि हर गली में ड्रग्स जो हैं वो बिक रही हैं, ये इशू जो है एड्रेस होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अब आप लोग देखें सड़कों में आपको गाड़ी चलाना मुश्किल पड़ रही है, इसको व्यवस्थित कैसे करना है, सड़कों के दोनों तरफ को लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करना शुरू कर दी है जिससे एक्सीडेंट का वो हो रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये एक आशंका जो है इसको ऐसा ना हो और उसके लिए काम किया जाए, पार्किंग लॉट क्रिएट किया जाए, रोड साइड पे रोड सेफ्टी के काम किए जाएँ, ये चीज़ों की रोड क्रॉस करने के लिए। अब ये भी असलियत है हिमाचल प्रदेश में कि जो गांव हैं वो दोनों तरफ रोड के बसे हुए हैं, तो इतनी हाई स्पीड गाड़ियां हो गई हैं उनको क्रॉस करना मुश्किल पड़ रहा है, बच्चों को, स्कूल जाने वालों को, तो जहाँ पे स्कूल हैं, पब्लिक उसकी चीज़ें हैं, वहाँ पे ओवरब्रिज जो है वो सरकार बनाने का प्रावधान रखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करें और जो हमारे टाइम के पेंडिंग हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कराए। और तीसरी बात जो है, अब ये आपने अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया,
आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का 150 करोड़ रुपया पिछली बार का पड़ा था, वो कहाँ चला गया? आप कृपा करके अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो बच्चों को दें, ताकि उनके पास थोड़ी सी सुविधा हो। अपना 1000-1000 रुपया भी होगा तो घर में 2 अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो अपना किताब ले आएंगे, अपने इंटरव्यू देने के लिए चले जाएंगे, अपना टेस्ट देने चले जाएंगे। ऐसी सुविधा करना जो है बड़ी ज़रूरी है, और इन इश्यूज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगले 5-10 साल का विज़न पेपर दें कि भाई क्या क्या पॉलिसी बनाएंगे ताकि उसके तहत बच्चों को नौकरियां मिल सकें। टूरिज़्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीज़ों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के नए प्रदेश देखिए, ये जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। सुक्खू जी ने अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा होनी चाहिए थी। वो फंक्शन किस लिए था? फंक्शन तो था वो कि जो नए हैं उनकी ताजपोशी है, और सुक्खू जी चार छोड़ेंगे। अब सुक्खू जी चार छोड़ते और राठौर जी लेते, और राठौर जी 10 बातें सुक्खू जी के लिए अच्छी कहते, सुक्खू जी 10 बातें उनके लिए अच्छी कहते, और उसमें अच्छे माहौल में हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते। हमारा लक्ष्य है आगे जा कर के 4 सीटें जीत करके माननीय राहुल जी की गोदी में डालना। राहुल जी ने स्पष्ट लफ्जों में पार्लियामेंट में कहा है, शिमला में कहा था कि मेरी पार्टी में अहिंसा की कोई स्थान नहीं है, और अहिंसा हो और वो हमारे इतने नेता बैठे हों, उन्हें एक आवाज़ से रोकना चाहिए था सबको, और ऐसे हो गया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब मैं तो ये मानता हूँ ना कि कार्यकर्ता जो है वो सुप्रीम है, और पार्टी जो है वो सुप्रीम है। पार्टी की सरकार होती है, और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर उठ करके कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। एक भी व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से उठ कर ऊपर नहीं है। सुक्खू ने अपने समय पर अच्छा काम किया, हर व्यक्ति जो है वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अब राठौर जी हैं, अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं, ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और सुक्खू जी ने जो किया उसको रिकॉर्ड पे लाए कि ये अच्छा किया, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मगर ये जो बीच में राजनीति होने लगी ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं पढ़ा कई भाजपा के नेताओं की भी आ रही थी, तो उनको भी याद रखना चाहिए। थोड़े दिन पहले ज्वाला जी भी हुआ था, उससे पहले वॉक ओवर भी हुआ था, उससे पहले कई इंसिडेंट हुए, तो ये इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरे के घर पर कृपा करके पत्थर पुत्थर ना मारें, ताकि अपना ठीक रखें प्रोग्राम। ये नहीं, ज़्यादा नहीं है, मगर ये छोटा इंसिडेंट है। अनुशासन के ऊपर कोई नहीं, अनुशासन के ऊपर मैंने कुलदीप जी को भी कहा है, और ऊपर जो लोग हैं उनसे भी कहा है कि पता लगाएं, आइडेंटिफाई करें, और उनको परमानेंटली पार्टी से बाहर करें, और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी लेना है वो ले करके, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब हुई है।